नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हमारा इस स्टेट का दूसरा सेट है ये, और इसमें भी 30-35 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी इसके अलावा क्वेश्चन बनता है वो सब मैं क्लियर करा दूँगा। शुरू करते हैं, देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ कि गाठ में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, दलहन पौधे जो दलहन फसल वाले जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे बैक्टीरिया का नाम जानते होंगे आप लोग, राइजोबियम। इसके अलावा भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जड़ों में, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो प्रमुख है उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो वो जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, तब जाकर के हम नाइट्रोजन लेते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें 1 का A बिल्कुल सही है, आंसर ए सही है, और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चेंज करते हैं। आंसर 1 का A सही है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। देखो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि लीची के लिए बिहार में कौन प्रसिद्ध है, तो लीची के लिए बिहार में फेमस है मुजफ्फरपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर सी बिल्कुल सही है, मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई ये सब डिटेल्स नहीं जानना है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 नंबर। 3 नंबर है कि रबी फसल बोया जाता है। देखिए भाई, फसल होता है 2 प्रकार का, एक होता है खाद्य फसल और दूसरा होता है नगदी फसल। तो खाद्य फसल के अंतर्गत आता है 3 फसल, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो आप इसमें देख रहे हैं कि रबी फसल खाद्य फसल के अंतर्गत आता है, तो रबी फसल तब बोया जाता है जब खरीफ फसल काट लिया जाता है। तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, उसी समय रबी फसल की बुआई होती है। तो रबी फसल नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3 का C बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है। देखिए दोस्तों, बिहार में केला के लिए प्रसिद्ध जगह हाजीपुर है। आप जानते होंगे हाजीपुर में ज़्यादा केला होता है। तो यहाँ पर 4 का आंसर B बिल्कुल सही है। केला का वैज्ञानिक नाम होता है मूसा पाराडिसिका। आगे बढ़ते हैं, अगला है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब कौन सा जिला बिहार का है जो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? देखिए, ऐसे प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तो नालंदा का स्थान आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो वो करता है रोहतास। तो रोहतास जिला इसमें आंसर होगा, इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो आंसर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि नहर सिंचाई की जो सुविधा है वो रोहतास में बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षेत्र में उगाया भी जाता है और उत्पादन भी होता है। आंसर बी बिल्कुल सही है, रोहतास। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है कि गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि गर्मा फसल कहते किसे हैं। देखिए, गर्मा फसल ठीक वैसे ही होता है जैसे खरीफ फसल होता है। जैसे आप जूट को ले सकते हैं, जूट हो गया, कपास हो गया, उसके बाद मकई हो गया, बाजरा हो गया, मड़ुआ हो गया, ये सब जो है गर्मा फसल में आता है। गर्मा फसल ग्रीष्म ऋतु में होता है, आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर A बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है कि रेशेदार फसल को चुने, रेशा जिसमें निकलता है, रेशेदार फसल कौन कौन से है। देखिए, रेशेदार फसल में आप याद रखेंगे, रेशेदार फसल जिसे धागा भी बनाया जा सकता है। तो रेशेदार जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन, उसके बाद अलसी, तो ये सब जो होते हैं ये सब रेशेदार फसल होते हैं। तो आंसर 7 का D बिल्कुल सही है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर है कि अगहनी फसल को चुने। देखिए, अगहनी फसल किसको कहते हैं? तो अगहनी, देखिए ये एक होता है ना कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके, तो एक हिंदी में भी होता है जैसे चैत्र मास, सप्तमी, पता नहीं क्या क्या होता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अगहनी फसल, ये अगहन, पूस, माघ, कार्तिक, ये सब थोड़ा सा कम जानकारी है मुझे, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग अगहनी फसल में कौन कौन सा आता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर।
नौ नंबर देखेंगे कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है। देखिए दोस्तों, राष्ट्र संघ का नाम जानते होंगे आप लोग, यूएनओ के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस। इसका एक सचिवालय है। सचिवालय का जो प्रधान कार्यालय है वो पड़ता है न्यूयॉर्क में। कहाँ था? न्यूयॉर्क में। आंसर क्या हो जाएगा? नौ का आंसर ए बिल्कुल सही है, इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दस नंबर देखेंगे, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों, राष्ट्र संघ का जो सदस्य है, राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ का जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो अस्थाई मेंबर पांच देश है, उसको याद रखिएगा, FRECA, फरेका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। तो इसमें देखिए, इसमें दस नंबर में इंग्लैंड तो है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, लेकिन जर्मनी नहीं है। कौन नहीं है भाई? जर्मनी नहीं है। तो आंसर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 11 बोल रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। इसके पहले भी 1920 में एक बार हुआ था। तो इसका उद्देश्य देखिए क्या है ना, कि भविष्य में युद्ध को रोकना है, विश्व में शांति व्यवस्था, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि साफ साफ कि भविष्य में युद्ध को रोकना। तो आंसर 11 का क्या हो जाएगा? आंसर 11 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे, अभी मैंने बताया कि राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ी संस्था है। इसके वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं, इसे ध्यान रखिएगा। शुरुआत में 50 सदस्य इसके थे, 50 सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए थे तब इसका स्थापना हुआ था, और 51वां देश बना था पोलैंड, जो बाद में हस्ताक्षर किया था। तो माना जाता है कि 51 देश एक साथ इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। आंसर 12 का ए बिल्कुल सही है। अगला है 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। देखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी माना जाता है सिक्योरिटी काउंसिल को, संरक्षण परिषद को माना जाता है, सुरक्षा परिषद को माना जाता है। इसमें इसे दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें पांच अस्थाई मेंबर है, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका, और पांचों देश के पास वीटो पावर का अधिकार है। मतलब किसी देश को ये किसी गलत कदम से रोक सकते हैं, किसी कार्य के लिए रोक भी सकते हैं। तो इनमें इतना पावर होता है, इतना अधिकार दिया गया है इन्हें। तो कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई देश होते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है। तो आंसर 13 का क्या हो जाएगा? आंसर 13 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भाई, यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछ रहा है ये। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? ये न्यूयॉर्क में है। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था। मतलब ये कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की बात की गई थी। तो देखिए, आप जानते होंगे कि अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था, उसी का दिन है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी बड़ी संस्था खड़ी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सैन फ्रांसिस्को में बैठक हुई थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 15 का बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 16 नंबर है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। देखिए दोस्तों, भूमिज विद्रोह आप जानते होंगे कि ये झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था। भूमिज विद्रोह आदिवासियों का ये विद्रोह था। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये 1832 में शुरू हुआ था, 34 में समाप्त हो गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बी बिल्कुल सही है, भूमिज विद्रोह का ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं 17 नंबर, कि सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। देखिए भाई, संथाल विद्रोह जो हुआ था आदिवासी जनजातियों के द्वारा हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो एक तो इनको मतलब टैक्स ज़्यादा लगाते थे, काम जबरदस्ती कराते थे, और इनके जो धर्म होता है मतलब आदिवासियों का जो अपना
जो कुछ भी होता है कल्चर, उसमें ये इंटरफेयर कर रहे थे अंग्रेज। तो इसके लिए दो भाई थे, आप जानते होंगे, सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने संथाल विद्रोह छेड़ दिया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, संथाल जो जनजाति है ना, ये आदिवासी जनजाति है। आप झारखंड में चले जाएंगे तो झारखंड में चार आदिवासी जनजातियाँ मिलेंगी वहाँ पर। वहाँ पर चार आदिवासी जनजातियाँ में संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, ये सभी जनजाति मिलेगी। तो इसे ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा 17 का बी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 18 नंबर कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों का पर हमला कब किया था। देखिए दोस्तों, ईसाई मिशनरियाँ जो थी वो अपना मतलब ईसाई धर्म में तब्दील करने के लिए प्रचार कर रही थी, लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म कबूल करवाने के लिए कह रही थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर मिल करके मुंडाओं के साथ हमला कर दिया था। तो ये हुआ था 1992 में, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 1992, ये इम्पोर्टेंट है, 1992 में हुआ था। और ये हुआ था 24 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर डेट, यानी 25 भी याद कर सकते हैं, 25 दिसंबर 1900, ऐसे 24 दिसंबर एग्जैक्ट डेट था, तो 1992 कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 19 नंबर, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के धारा 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो इसे ध्यान रखेंगे, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा इसमें, ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 20 नंबर, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक ही वर्ष बने हैं 2000 ईस्वी में, और 2000 ईस्वी में डेट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को और उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को बना है। तो झारखंड कब बना है भाई, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ है, सबसे पहले अगर अंग्रेजों के समय में चला जाए तो भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित हुआ था 1865 में, लेकिन ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि आप लोगों को एग्जाम में पूछ दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है कि अंग्रेजों के समय में जब एक बार 1927 में पारित हुआ था भारतीय वन अधिनियम 1927 में, और मतलब उसके बाद में जो सबसे फेमस रहा है वो 1972 वाला रहा है। तो ये ज़्यादा दोनों पूछा जाता है, 1927 और 1972, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, इसमें आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखेंगे 22 नंबर, तिलका मांझी, आप जानते होंगे तिलका मांझी के बारे में, तिलका मांझी भागलपुर से संबंधित है। तो तिलका मांझी भागलपुर और सुल्तानगंज के एरिया में ये एक आदिवासी थे, और ये आदिवासी होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो इनका जन्म पूछा जा रहा है कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। इनको फांसी दे दिया गया था, आप जानते होंगे फांसी पर लटका दिया गया था। तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में, तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, 1750 ईस्वी में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, तमार विद्रोह जो है ये हुआ था 1784 में। कब हुआ था भाई, 1784 में। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, 1784 से लेकर के ये समझिए कि पूरा 1800 ईस्वी तक चला था। तो तमार विद्रोह ये भी झारखंड वाले क्षेत्र में ही हुआ था, झारखंड वाले क्षेत्र में। उस समय सब ये बिहार में थे, आप जानते होंगे बिहार में ये पूरा एरिया आ जाता है, पहले का जो झारखंड का जितना भी क्षेत्र था, और उस समय ये सभी बिहार के ही थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में है ये। तो तमार विद्रोह उस समय अब वर्तमान के झारखंड में है, लेकिन पहले के बिहार में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली जनजाति है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी क्या बताया कि पहले से ही ये पूरा क्षेत्र बिहार में था, लेकिन वर्तमान में ये झारखंड में चला गया है। झारखंड के कौन से क्षेत्र में ये चेरो जनजाति रहने वाली थी, तो ये चेरो जनजाति है पलामू की। कहाँ की है भाई, पलामू की है। तो आंसर 24 से क्या हो जाएगा, 24 का आंसर डी बिल्कुल सही है, इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, पलामू में पाई जाती है। अगला है 25 नंबर, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना के हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से का बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं, ये जो है ये साउथ ईस्ट का बात किया जा रहा है।
कि साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जैसे आप कोलकाता झारखंड वाले क्षेत्र को उड़ीसा वाले क्षेत्र को मिला करके, तो इसको लेकर के साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो बनाया गया था, वो बनाया गया था कोल जनजातियों के लिए। कौन से जनजातियों के लिए? कोल जनजातियों के लिए। आप देखेंगे कि कोल्हान एक प्रकार का प्रांत की मांग की जा रही थी इन लोगों के द्वारा, तो इसे इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला है 26 नंबर कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जर्मनी कभी मत आंसर लगाइएगा। हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था भाई? ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। बाद में जिस घर में इसका जन्म हुआ था उस घर को जब्त कर लिया गया ऑस्ट्रिया के राजकुमार द्वारा, ऑस्ट्रिया की सरकार द्वारा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो नाजीवाद के जो समर्थक हैं उनके लिए ये एक आइकन न बन जाए। तो आप जानते होंगे कि नाजी पार्टी से संबंधित है ये। अगला है 27 नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रिया। अगला है 27 नंबर, देखेंगे नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए दोस्तों, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह आप जानते होंगे, तो जो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? स्वास्तिक का चिन्ह आंसर हो जाएगा बी। तो बी बिल्कुल सही है। अगला है 28 नंबर, मीन कैंप। मीन कैंप का मतलब होता है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो रचना किया है वो क्या है? हिटलर ने। मीन कैंप का रचना हिटलर द्वारा किया गया है। आंसर बी बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने दिया था? तो जर्मनी के लोगों के द्वारा दिया गया था, और हिटलर ने ही दिया था, तो याद रखिएगा। अगला है 29 नंबर, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? देखिए दोस्तों, अभी तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वर्तमान में हैम्बर्ग है वहाँ का जर्मनी का, लेकिन शुरुआत में अगर पहले देखा जाए कि औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था, तो वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र था रूर प्रदेश। रूर प्रदेश कौन सा क्षेत्र है भाई? तो जो राइन नदी बहती है उस राइन नदी के अगल बगल के क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये कोयले का भंडार है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कोयला वहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए माना जाता है कि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था ये। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर बी बिल्कुल सही है, रूर प्रदेश। अगला है 30 नंबर, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? देखिए दोस्तों, जर्मनी का मुद्रा का नाम, पहले का मुद्रा जो था उसका नाम था मार्क। अब इसमें पहले का जो मुद्रा था उसका नाम था मार्क, लेकिन अभी वर्तमान की जो मुद्रा है वहाँ पे वो चल रही है क्या? वहाँ पे यूरो चल रही है। लगभग यूरोपियन कंट्री में आप देखेंगे कि ब्रिटेन को छोड़कर के लगभग सभी देश क्या है? यूरो अपना लिए हैं। तो जर्मनी में भी अब यूरो चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग देश जर्मनी के यूरो अपना चुके हैं, वहाँ पर पहले मार्क चलता था। तो आंसर 30 का क्या हो जाएगा? 30 का आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का हमारा दूसरा सेट। फिर मिलते हैं तीसरे सेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।